सकता हूँ। ये जो पार्क है इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। और आज अभी हम चलेंगे अंबेडकर पार्क, और काफ़ी खूबसूरत पार्क है, तो अभी चल लेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो आइए अभी चलते हैं वहीं पर। गाइस, अभी अंबेडकर पार्क पहुंच चुके हैं जो कि तारामंडल में है, और हम लोग इसके अंदर अब जाएंगे और अपना गाड़ी भी पार्क कर लिए हैं। तो आप लोग आइए, इधर पार्किंग का चार्ज नहीं लेता, फ्री चार्ज है। तो भाई कोई पार्क हो गया, इसके बाद चलते हैं हम लोग अंदर और आप लोग को दिखाते हैं। काफ़ी बढ़िया इधर का है जो घूमने वाला, और पिकनिक भी मना सकते हैं इधर। तो अभी हम लोग चलते हैं फिलहाल अंदर और आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इधर से हम लोग एंट्री लेंगे और आप लोग देखते हैं कितना खूबसूरत इधर दिख रहा है बाहर से, और अंदर से देखते हैं कितना बढ़िया लगेगा आप लोग। तो अभी चलेंगे लेकर और आप लोग को दिखाएंगे घर का काफ़ी बढ़िया दृश्य है। और जब पहले बाहर का भी देखिए, काफ़ी बढ़िया है। तो अभी फ्रेंड, इधर से हम लोग एंट्री लेंगे और आप लोग देख सकते हैं फिलहाल ये जो है फर्स्ट, जो मतलब टाइल्स जो भी है, पहले ये नहीं था, सब था लेकिन टूटा फूटा था बहुत, मतलब इधर का बेकार स्थिति था। तो धीरे धीरे इधर चेंजिंग हुआ है और काफ़ी मतलब बढ़िया हो गया इस समय। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत अब दिख रहा है। और इधर जो है ये पहले काफ़ी मतलब गढ़ा था, और स्टंट करने के लिए मतलब घास उस थे तो बच्चे स्टंट करते थे और इसको स्ट्रेट किया जाता था मशीन से। तो ये काफ़ी नीचे था और पानी वानी लग जाता, सुविधा नहीं था निकलने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया है, तब पर भी देख रहे हैं थोड़ा सा मतलब दिख ही रहा है आप लोगों को गढ़ा है। तो फिलहाल मतलब सही हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन पानी निकलने का तो सुविधा हो गया है, सर्किट आउट से ही मतलब निकल जाता है पानी वानी। पहले जितना पानी नहीं लगता है, पहले तो बहुत पानी लग जाता था लेकिन अब नहीं। और देख रहे हैं इधर एक जलपर ही है जो कि फ़ोटो शूट के लिए, और काफ़ी मतलब स्वागत में है, काफ़ी मतलब बढ़िया इधर, और काफ़ी बढ़िया पार्क है ये। और इस पार्क में एक्टर लोग भी आ चुके हैं और आते रहते भी हैं, एक्टर या मतलब सुपरस्टार जो भी हीरो, भोजपुरी या जो भी हीरो होते हैं लोग आते रहते हैं। तो मतलब इधर शूटिंग वूटिंग भी चलता है हर मतलब हमेशा, तो काफ़ी मतलब बढ़िया लगता है। और ये पार्क देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा है। तो अभी दिखाते इस पार्क को और अच्छे से आप लोग को। फ्रेंड्स, अभी आप लोग देखना कितना मतलब हरा भरा है, और यार एक डायनासोर मतलब ड्रैगन है, और इसको आप लोग हिंदी में डायनासोर भी बोलते होंगे, और इंग्लिश में ड्रैगन। तो अभी लोग फोटो शूट कर रहे हैं, अभी हम लोग भी चलेंगे उधर, आप लोग को दिखाएंगे चढ़ के इसका मजबूती भी देख सकते हैं, मजबूत दिखता है। अभी चलते हैं। फ्रेंड्स, आइए आप लोग को ड्रैगन का सवारी दिखाते हैं, आप लोग कभी किए नहीं होंगे, और मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को, और आप लोग इंजॉय लीजिएगा। पहले सूट निकाल लेता हूँ मैं, और सूट निकाल लिए और सब कुछ निकाल लिए, और अभी तो स्लीप खा रहा थी, चढ़ नहीं पाएंगे और थोड़ा देर की कोशिश करते हैं, और ये स्लीप कर रहा है तो अभी चढ़ नहीं पाएंगे, अभी कोशिश करते हैं चढ़ने के लिए। देखा, मैं ड्रैगन सवारी करना चाह रहा लेकिन कर नहीं पा रहा था, क्योंकि ड्रैगन बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा है, तो इसका मैं सवारी नहीं कर पाऊंगा। और आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोग पार्क वार्क में जाते हैं तो इस मतलब इस सब चीज़ से दूर रहें, ना तो डेंजरस आप लोग हो सकता है। और अभी मैं जाऊँगा, इसका कुछ व्यवस्था करूँगा पर जाकर इसको पकड़वाऊँगा। अभी चलते हैं इधर से और आप लोग और
आगे चलते हैं हम लोग और आप लोगों को नई नई चीज दिखाते हैं इधर का। आगे चला जाता है। अभी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इधर पिकनिक मनाया जा रहा है और काफी दूर से लोग आते हैं पिकनिक मनाते हैं और इधर देख सकते हैं डस्टबिन का भी व्यवस्था है क्योंकि मतलब लोग मान लीजिए कुछ खाए हैं तो इसके लिए डस्टबिन बनाया गया है, उसका यूज़ जरूर करें और करते भी लोग हैं तो काफ़ी बढ़िया लगता है जो लोग करते हैं और सफाई अभियान को साथ देना चाहिए। तो अभी चलते हैं और आगे और आप और बढ़िया चीज़ दिखाएंगे और बताएंगे आप लोग को। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इधर कसरत व्यायाम के लिए जो काफ़ी व्यवस्था किया गया है और मॉर्निंग के टाइम में तो बहुत लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पर और मुझे पता है आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग करने का मन करता होगा और चलते उधर और आप लोग और बात फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ट्राइसेप का मशीन है और मतलब जिम वाला भी कुछ मशीन है यहाँ पर लाया गया है और मतलब मेरे को पता है आप लोग मतलब जिम करते हुए हम लोग जिम कसर लोग करते होंगे और जो लोग नहीं करते हैं मतलब मेरा जिम निवेदन है क्यों लोग करें क्योंकि हमारी बॉडी और मतलब हम लोग का तबीयत जो भी रहता है काफ़ी स्वस्थ हम लोग रहते हैं तो ये सब करना चाहिए आप लोग को। तो अभी कुछ और आप लोग को दिखाएंगे इधर का यूनिक चीज़ें तो आप लोग वीडियो देखिए इंजॉय करिए और हमको पता है आप लोग इधर तो आने का मन करता ही होगा इस पार्क में तो आप लोग आ भी सकते हैं इस पार्क में। मैं लोकेशन भी भेज दूँगा आप लोग को अगर कमेंट में बताएंगे तो अभी चलते हैं हम लोग आगे कुछ और देखते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं बच्चे छोटे बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं और ये प्ले बच्चों का है खेलने वाला गेम तो काफ़ी लोग मतलब खुश हैं और इधर मतलब बढ़िया है और इधर मतलब देख सकते हैं काफ़ी मतलब नए तरीके से और यूनिक बनाया गया है। मतलब पहले तो मतलब बस ये मतलब झूला वूला रखा था और इधर करने वाला लेकिन उसमें काफ़ी मतलब मल्टीपल कर लिया मतलब काफ़ी चीज़ें इधर चढ़ने वाला है उधर लटकने वाला है तो काफ़ी मतलब डेवलप कर दिया गया और मतलब पहले सिर्फ झूला वूला ही आता था और अभी इसके ऊपर भी चढ़ के दिखा देते हैं और जो कि आराम से आप लोग चढ़िएगा मतलब अब बच्चे लोग जो काफ़ी मतलब पाती होते हैं तो वो लोग तो इधर उधर चढ़ जाते हैं इधर देख सकते हैं मतलब मान लीजिए बच्चों लोग के लिए तो काफ़ी मतलब इधर बढ़िया दिखेगा। तो आप लोग फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इधर अंदर आप लोग को कैंटीन भी मिलेगा जो कि मतलब काफ़ी मतलब खाने चीज़ें मिलेगा आप लोग को और आप लोग बाहर की चीज़ मत लाइए कर इधर से ले लीजिए और आप लोग पीछे भी देख सकते हैं मतलब कूड़ा करके ना करें कि आप लोग मतलब इसका ध्यान जरूर दीजिए कूड़ा होता है डस्टबिन का यूज़ करिए उसमें डालिए और मतलब जो भी लोग होते हैं काफ़ी से इधर आइए घूमिए और काफ़ी बढ़िया लगेगा इस पार्क में आप लोग आएंगे इधर कैंटीन भी है खाने पीने का पूरा सुविधा है अभी आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने पार्क देखा काफ़ी बढ़िया था और पार्क के इधर देख सकते हैं ग्राउंड बनाया गया है जो कि 700 मीटर का है और 5 मीटर का ये होगा जो मतलब है इसका लंबाई तो इधर काफ़ी लोग आते हैं और दौड़ते उड़ते भी हैं दौड़ बनाते हैं तो और इधर की चित्रकारी भी किया गया है तो काफ़ी मतलब ये बढ़िया जगह है और आप लोग आइए और काफ़ी इधर इन्जॉय करिए और मतलब आप लोग तो बढ़िया लगे हमको पता है कि आप लोग को बढ़िया नहीं इधर लगे आप काफ़ी अच्छा लगे यहाँ पर आप लोग आएंगे तो आप लोग इधर आइए मैं आप लोग को। तो फ्रेंड आई होप आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी बढ़िया लगा होगा और आप लोग इसको लिख भी आए करेंगे लेकिन हमें तभी अच्छा लगेगा जब आप लोग हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और कमेंट में मेरा जो भी गलती वलती हुआ होगा आप लोग बताएंगे। तो अभी मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ और नए नए वीडियो के लिए आप लोग बन रही है मेरे ब्लॉग चैनल पर तो अभी हम चलेंगे इधर से और मेरा ब्लॉग यहीं पर बंद होता है। बाय बाय फ्रेंड्स। तो हे गाइस और अभी हम लोग आ गए हैं आज स्टेशन पे और आदिल आ जाएगा मुंबई ये जा रहा है घूमने के लिए और अपना काफ़ी एंजॉय करेगा और हम लोग इसको छोड़ने के लिए आए हैं काफ़ी देख सकते हैं पीछे दोस्त भी हैं हम लोग छोड़ने के लिए आए हैं इसको इधर से छोड़ेंगे मुंबई जाएगा और आप लोग को दिखाएगा अभी उधर से कुछ भेजेगा क्लिप क्लिप तो आप लोग को दिखाएंगे तभी जा रहा अपने खालू को लेने तो इसके खालू को ले लेते हैं पहले उसके बाद चलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आदिल के खालू आ गए हैं और इसको जाएंगे ट्रेन में बैठाएंगे इसके बाद इससे अलविदा लेंगे हम लोग तभी थोड़ा सा इमोशन हो गया लग रहा रो देगा लेकिन इसको रोने तो नहीं देंगे अभी हम लोग सभी सारे फ्रेंड आ गए हैं देख सकते हैं और वो भी जाएगा अभी ये सब जाएंगे दो तीन लोग जाएंगे हम लोग तो छोड़ने के लिए आए हैं स्कूल फ्रेंड हम लोग हैं
अब यहाँ पर छोड़ेंगे, ये ट्रेन है 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, लोग इसी जाएंगे मुंबई के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी सबका सीट मिल गया है, हम लोग बैठेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अभी मुंबई आ गए, देख रहे हैं आदिल उतर रहा है, नहीं नहीं मुंबई में बर्फ पड़ रहा है अभी, एक बार ये सब निकलेंगे इधर से। तो अभी फ्रेंड्स अभी सभी लोग इमोशन हो गए और फोटो शूट कर रहे हैं, फिलहाल तो बस लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन पर इमोशन हो गए, देख रहे हैं लोग फोटो वोटो खींच रहे हैं। और इसके बाद ये ट्रेन है इनका, उसके बाद बैठेंगे लोग और निकलेंगे इधर से। अभी ट्रेन शायद 10 बजे निकलेगा यहाँ से, तो ये सब पता नहीं क्यों गुस्सा हो रहे हैं, तो इन सबको होने दीजिए, हम अपना काम करेंगे भाई। तो अभी फ्रेंड्स ये लोग ट्रेन में जा रहे हैं बैठने के लिए और हम लोग इधर से घर निकलेंगे, और ये सबसे मिल रहा है आदमी, तो अभी हम निकलेंगे सबसे मिल रहे हैं, उसके बाद हम निकलना है इधर से